नमस्ते, सबका स्वागत है। सो अब हम अगली फिल्म कौन सी देखने जा रहे हैं? द कश्मीर फाइल्स। गाइस, देखने से पहले बोल रहा हूँ, आप भी जाके मूवी देखिए, थोड़ा पता लगेगा क्या हुआ था। चलो जाते हैं। तो अभी हम पहुंच गए और पूरा थिएटर फुल है। सो गाइस, अब हम ऐसी मूवी की बात करने वाले हैं जो एक्चुअली मूवी भी नहीं, सच्चाई है, जो हो चुका है 1990 में। एंड सो हम कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स मूवी देख के आए हैं। एंड ये थोड़ी शॉक्ड है या सदमे में है क्योंकि जैसे अभी उसमें बताया गया है मूवी, सो एक मूवी एक कैरेक्टर पे डिपेंड है, यंग किरदार पे, जो काइंड ऑफ कंफ्यूज कैरेक्टर है, जो यहाँ की सुन के यहाँ का लाइक बीच का ब्रिज है कि इसको सच पता नहीं है लेकिन कन्फ्यूज हो जाती है कभी कभार सुन के। तो उसके ऊपर वो स्टोरी है एंड वो रोल किया है हमारे दर्शन कुमार सर जी ने, ऑफकोर्स, और बहुत बहुत अच्छा रोल किया है। द रीज़न मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में एक एग्जांपल है, ठीक है, सच बोलने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस मूवी के पहले इसे कश्मीरी पंडित के बारे में कुछ पता ही नहीं था इतना। मुझे पता था कि मैं पढ़ता रहता था, मैं काफ़ी मैं बहुत छोटा था वो टाइम पे, बहुत मुझे लेकिन 2-3 साल का होगा मैं भी, लेकिन वो टाइम पे वो चला था तो थोड़ा सुना हुआ था, लेकिन तो यानी ये थोड़ी 90s के बाद पैदा हुई है तो इसको इतना पता था नहीं। ये खुद तो वो मूवी में एक्चुअली ऐसी एग्जांपल दिखाया गया है कि आजकल के यूथ को बोलते ना ऐसा डॉटेड लाइंस पता है क्या हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है पता नहीं है। सही बोला, एकदम सही बोला। और ये एक्चुअली तब से थोड़ा ये है कि मतलब तो रो दिए, मैं एक्चुअली रो दी क्योंकि जिस तरह इन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि वो कंफ्यूज कैरेक्टर बता, इस सेम चीज मेरे साथ हो रही थी कि इन्होंने चार चीज थोड़े थोड़े सुने हुए थे, लेकिन मैंने थोड़े थोड़ी चीजें सुनी हुई थी बट एक्चुअल क्या था वो, मैंने उसको ये तक भी बोला कि एक्चुअली जो मूवी में दिखाया ना वो तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बुरा हुआ है, मतलब इतनी डिटेल मूवी में बताना थोड़ा, फिर बोलते ना सेंसरशिप का इशू हो जाता है, ये हो जाता है, इससे काफ़ी बुरा हुआ है, काफ़ी भयंकर हुआ है उधर कश्मीरी पंडितों के साथ, ऑफकोर्स। एंड ये जो 1% बता रहा हुआ उधर ही मैं हिल गई, मेरे को लाइक पूरे थिएटर में मेरे आँख से आंसू निकल रहे थे, मेरे को पता नहीं चल रहा था कि मतलब कैसे, जैसे मूवी खत्म हुई ना आई थिंक हम 5 मिनट तो उठे ही नहीं जगह से, उधर ही बैठे रहे। लाइक ये मूवी कैसी है कि आप पॉज हो जाओगे मूवी देखने का, मूवी नहीं, मूवी तो बोलना एक्चुअली गलत है, ये सच्चाई है जो है, मूवी बोलना भी नहीं चाहिए इसे। एंड और जब अगर हम कैरेक्टर्स की, ऑफ कोर्स पहले तो थैंक यू विवेक अग्निहोत्री जी को जो जिन्होंने ये मूवी बनाई है और इसको प्रेजेंट की है। थोड़े दिन पहले तक तो बहुत इशू आ रहे थे, लोगों को चर्बी है थोड़ी, PILVI, लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं, ये सार्केज्म के साथ बोल रहा हूँ, लोग सच्चाई बताने जाओ तो लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं, तो कुछ लोगों ने ऐसे PIL दाखिल की थी कि मूवी को बैन किया जाए, बट सच की जीत हुई और मूवी आ गई। एंड मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हर यूथ से कि मूवी देखे, सी अगेन देखे और खुद की भी रिसर्च करे। मैं बोल रहा हूँ उसमें बहुत कुछ नहीं दिखाया गया है, एंड मैं बोल रहा हूँ बहुत कम दिखाया गया है, जो बुरा हाल हुआ है ऐसे भी बुरा हाल हुआ है ऑफकोर्स हमारे कश्मीरी पंडितों का वहाँ पे। अभी हम एक एक कैरेक्टर की बात करें, अनुपम खेर जी का मेरे ख्याल से अब तक की पूरी जितनी मूवीज देखी गई है, मेरे को एक पहले उनकी एक पुरानी मूवी में बहुत परफॉर्मेंस अच्छा लगा था, सारांश करके मूवी है, देखना अगर देखी नहीं होगी तो, सो बहुत पुरानी मूवी है, अगर वो मूवी आप देख लोगे, एक वो कैरेक्टर मेरे को पसंद आया था और आज जब मैंने देखा है उनको पुष्कर जी के कैरेक्टर में, ओह माय गॉड, जो उनकी परफॉर्मेंस है अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है अनुपम खेर जी की, मतलब मेरे को लगता है शायद उनके अलावा कोई कर भी नहीं पाएगा जो नहीं, जो अच्छे से उन्हें, मतलब वो देख के तकलीफ होती है उनको, वो जो किया ना, मतलब देख के ऐसा लगता है कि वो फील होता है जो उन्होंने कैरेक्टर किया है। मूवी में ऐसा टाइम भी है जहाँ पे वो खुद रोए है एंड मेरे रोंटे खड़े हुए, हमें भी रोना आ जाता है, हमें भी आ जाता है, मतलब उनके साथ साथ, ओह माय गॉड, मतलब उन्होंने कैरेक्टर ऐसा प्ले किया है कि कहीं फील होता है कहीं हमारे साथ तो नहीं हो रहा ऐसा, वो इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले किया। एंड फिर मिथुन दा, उनका भी जो उन्होंने भी जो परफॉर्मेंस दी है बहुत बहुत, मतलब हर एक ने जो रोल किया है, मिथुन दा हो गए, पुनीत सर जी हो गए हमारे, जो भी कैरेक्टर्स थे, एंड ऑफकोर्स अनुपम अपना दर्शन कुमार के तो परफॉर्मेंस, स्पेशली जो लास्ट का जो है आप फैन हो जाओगे हर एक चीज़ का। मैं कोशिश करूँगी स्पॉयलर, स्पॉयलर इनकी बात नहीं, लेकिन जो एक फील फिर ख़त्म हो जाएगा
कि क्या क्या बोला गया है, उसमें कैसे बोला गया है। एंड इसमें एक सरप्राइज पैकेज थे हमारी भाषा मैडम जी सो उनका जो परफॉर्मेंस है, जो एक उन्होंने रिप्रेजेंट किया है वहाँ की लेडीज़ लोगों ने, जो वुमेंस ने वहाँ पर तकलीफें झेली है वहाँ पर, वो देख के बहुत तकलीफ, और जो उन्होंने परफॉर्म भी किया है बड़ा अच्छा। पल्लवी जोशी जी से आप चढ़ जाओगे, बट हमें उन्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा जो हिसाब से उन्होंने रोल किया है। वो यू विल हेट हर फॉर दैट रोल, जो उन्होंने रोल किया है ओनली फॉर द रोल, ठीक है, क्योंकि जो कैरेक्टर है उनका वो कैरेक्टर मैनिपुलेटिव कैरेक्टर बेसिकली, माइंड ब्रेन वॉश, यस इससे याद आया। इसमें बेसिकली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगी हाउ कैसे यूथ को या बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है एंड कैसे उनको फिर इस्तेमाल किया जाता है। यस ये वर्ड सही होगा, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल किया जाता है ब्रेन वॉश करके, कि खुद तो आगे आएंगे नहीं, इनको आगे भेजेंगे। ओह माय गॉड, मतलब बट हर एक यूथ को देखनी चाहिए, हर एक यूथ को समझना चाहिए, क्योंकि जैसे वो मूवी में ही बताया कि आज तक जस्टिस नहीं मिला, आज भी तड़प रहे बेचारे घर जाने के लिए अपने। आर्टिकल 370 का तो हट गया है, लेकिन आज भी है थोड़े चैलेंजेस। दिल से दुआ करूँगा कि जो अपना घर खो चुके हैं वापस चले, वापस जाए वहाँ पे एंड खुशी से। बहुत बुरा लगता है ना जब मूवी ख़त्म होती है, लाइक अगर आप इंटरवल पार्ट पकड़ो, क्लाइमेक्स पार्ट पकड़ो या मूवी का स्टार्टिंग पार्ट पकड़ो, वो देख के तुम्हारे फेस से, मतलब शुरू से तुम वो जॉम में चले जाओ। एक सवाल रहता है क्यों, दैट्स ट्रू, क्यों तकलीफ क्या है, अरे शांति से रहो और रहने दो ना। हमारे साथ थिएटर में भी आजू बाजू लोग बैठ रहे थे, उन लोगों के आंखों में से भी आंसू, एंड उन लोग भी लाइक बीच बीच में मत करो, रुको थोड़ा, मतलब जिस तरह वो बताया देख के आता है, देख के वो मुंह से निकल रहा है, मिला लोगों की आहा निकल जाती है, आहा मतलब ओह माय गॉड। गाइस ये खुला बोल रहे, ये वीडियो में हम मूवी का रिव्यू नहीं दे रहे, हम एक्चुअली हमारे खुद के इमोशंस बता रहे हैं जो मूवी देखने के बाद फील हुआ है हमें। सो इसे एक्चुअली मैं तो बोलूंगा रिव्यू की तरह लो भी मत, क्योंकि इट्स नॉट अ रिव्यू, ये हमारी औकात नहीं इसी चीज़ को रिव्यू करने की, कि जो तकलीफ उन्होंने सही है ना, हम कोई होते नहीं उनको एनालाइज करने वाले, क्योंकि बहुत तकलीफ सही है उन्होंने, आज भी झेल रहे हैं, आज भी वो ट्रॉमा बोलते ना, वो दर्द में जी रहे हैं जो उनके साथ हुआ है आज भी। लाइक एक चीज थी वहाँ पे, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी, बट थे कि कैसे होता है ना कि जब तुम कश्मीर जाते हो तो वहाँ पे वही एक युवक वो कश्मीर गए, ठीक है, जो नाव वहाँ पे बोट शिकारा राइड से जाते, वो जो चलाते वो खुद बोलते कि हम थोड़ी आतंकवादी है एंड ऑल, मतलब बोल रहे, लेकिन उसका एजेंडा अलग होता है, ब्रेन वॉशिंग का, ब्रेन वॉश कर, हम तो अमन है, ये है वो है। ओह माय गॉड, मतलब कैसा यार सोच के भी, बट अगेन बहुत लोगों को ये मूवी प्रोपोगेंडा लगेगी, देखो कभी जो सच बोला जाता है ना उसे दबाने की कोशिश की जाती है, तो जिसको प्रोपोगेंडा लगता है लगने दे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे, खुला बोल रहा हूँ, सच है सच को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। बहुत बोलेंगे हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हाँ ठीक है फिर भाई लड़ो मरो ऐसी हो करो, पहले जो हुआ है उसे सुधारो फिर आगे देखेंगे क्या होता है। सो सॉरी गाइस, अगर किसी को बुरा लगा फिर भी मेरे घंटे से फर्क नहीं पड़ता, जिसको प्रोपोगंडा लगे अभी बोलता हूँ, इट्स द वर्ड, जो प्रोपोगंडा बोलेगा ना ये मूवी को, जाए पहले इतिहास पढ़ के, असली इतिहास पढ़ के आइए। अरे तुम देख के खुद रिसर्च करो ना, बोलना भी खुद रिसर्च करो, खुद दिमाग लगाओ, मतलब इतना तो दिमाग होना चाहिए तुम्हारे पास अभी, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। बस गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, जाइए मूवी देखिए, और स्पेशली यंगस्टर्स, एवरीवन यंगस्टर्स से रिक्वेस्ट है, और मैं तो बोलूंगा ये हर मजहब के लोगों को मूवी देखनी चाहिए, थोड़ी असलियत पता लगेगी। जय हिंद, जय हिंद।